आज हम आपको 16 साल के एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिस लड़की ने महज 2 सालों के प्यार के लिए अपने माँ बाप और भाई समेत परिवार के कई लोगों को जेल भिजवा दिया। यकीन मानिए जब यह पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा कि 16 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ उसके माँ बाप और परिवार वाले इस कदर कर सकते हैं। और यह भी सवाल आपके मन में चलेगा कि एक 16 साल की नाबालिग लड़की ऐसे भी कर सकती है क्या। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला पूर्वी चंपारण से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि 16 साल की एक नाबालिग लड़की की शादी उसके माँ बाप केवल इसलिए कर देते हैं कि उस लड़की को 2 साल पहले किसी एक लड़के से प्यार हो गया था और प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो लड़की अपने प्रेमी के साथ बार बार भाग जाया करती थी। तब उसके चाल ढाल से परेशान परिवार वालों ने उस लड़की की 16 साल के उम्र में ही नेपाल के एक लड़के से शादी करवा दिया। शादी तो करवा दिया, शादी के 4 महीने भी नहीं बीते तो 4 महीने के अंदर वो लड़की 2 बार और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये कहानी पूरा गोल गोल इस तरह से बताई जा रही है जिसे सुनने के बाद आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। जब उस लड़की की शादी नेपाल के ही लड़का से करवा दी जाती है, वो लड़की भी खुद नेपाल की रहने वाली है, तो 4 महीने भी शादी के नहीं बीते वो लड़की अपने ससुराल से अपने प्रेमी के साथ बार बार भाग जाया करती थी। और उसके चाल ढाल से परेशान घर वालों ने उस लड़की को पूर्वी चंपारण जिले के एक थाना क्षेत्र के एक गाँव में उसके मौसी के यहाँ पहुंचा देते हैं। लड़की को उसके रिश्तेदार के यहाँ तो पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद भी लड़की नहीं मानती और फिर अपने प्रेमी के साथ एक बार और भाग जाती है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वालों को लगता है कि मैंने शादी तो करवा दिया लेकिन ये ठीक से रहेगी नहीं क्योंकि बार बार अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तब घर वालों ने एक डिसीजन लिया, उस लड़की के हाथ पैर को बांध करके ललबेगिया पुल के पास सिकरहाना नदी में फेंक दिया। लड़की को फेंक तो दिया लेकिन उस लड़की के या खुद किस्मती कहिए या भगवान का चमत्कार कहिए, उस लड़की को नदी में हाथ पर बांध के मरने के लिए फेंक तो दिया गया लेकिन मछुआरे जब उस लड़की को छटपटाते हुए देखे तो नदी में मछली मार रहे मछुआरे ने उस लड़की को एक बार फिर बचा लिया। अब ये सब सुन करके आपको लगता होगा कि आप किसी फिल्मी कहानी का सीन सुन रहे हैं, तो ये फिल्मी कहानी का सीन नहीं, ये सच्ची खबर मैं आपको बता रहा हूं। उस लड़की को जब मछुआरे बचा लेते हैं, उसके हाथ पैर खोल दिए जाते हैं और इस बात की सूचना जैसे थाना में दी जाती है तो थाना अध्यक्ष महोदय उस लड़की को अपने अंदर लेते हैं और लड़की से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूछताछ करने के बाद वो लड़की बताती है कि मेरी उम्र महज 16 साल है और 16 साल के उम्र में मेरे माँ बाप ने मेरे मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के से शादी करवा दिया और मुझे 2 साल पहले किसी और से प्यार हो गया था। मैं उस लड़के के साथ रहना चाहती थी, मैं जब बालिग हो जाती तब उससे शादी करना चाहती थी और इसी बीच हमारे माँ बाप और परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी और बार बार मैं अपने प्रेमी के साथ भाग जाया करती थी, इसलिए घर वालों ने हाथ पैर बांध करके मरने के लिए जानबूझ करके मुझे इस नदी में फेंक दिया। चूंकि लड़की नाबालिग थी और नाबालिग के बयान पे थाना अध्यक्ष महोदय ने FIR दर्ज कर लिया और FIR दर्ज करने के बाद उस लड़की के माँ बाप भाई और परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। बाकी मुझे लगा कि ये पूरी कहानी आपको बताना चाहिए कि बेहद कम उम्र में प्यार हो जाना कितना खतरनाक होता, इसका एक छोटा सा नजारा मैं आपको बता रहा था। और प्यार भी इतना गहरा कि वो लड़की अपने प्रेमी के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि अपने माँ बाप को भी छोड़ देती है और माँ बाप को सलाखों के पीछे पहुंचवा देती है। बाकी ये पूरा वीडियो देख करके आपका क्या विचार कहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।